नमस्कार, मैं हूं अर्णब गोस्वामी। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। आज थोड़ा ज्यादा होने वाला है। जो लड़ाई में लड़ा वो पत्रकार होने के नाते नहीं, सच्चा हिंदुस्तानी होने के नाते लड़ रहा हूं मैं आज, और मैं लड़ता रहूंगा। इसलिए सत्ता के दम पर सच को दबाने वाले सुन ले, ये धमकी वाला धंधा बंद कर दो, बंद करो ये धमकी वाला धंधा। खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन, चार जन जब करेंगे तेरी बुराई तब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा। भाइयों और बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? धन्यवाद। मुझे तो लगता है गौरव कि ये 51 साल के जो ये युवा नेता कहते हैं ना अपने आप को राहुल गांधी, इनको शर्म आनी चाहिए कि उनकी हिम्मत, इनकी गौरव, इनकी हिम्मत देखो कि सवाल उठाए बिना हथियार के क्यों गए, निहत्थे क्यों गए, जमीन उनको हड़पने क्यों दी। राहुल गांधी जी, या तो आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है राहुल बाबा, या तो उन्होंने पढ़ाने लिखाने छोड़ दिया है। राहुल गांधी शायद भूल गए हैं वर्ष 1993 की वो तारीख। वो मैं याद दिलाता हूँ, 7 सितंबर 1993, इस दिन वाड्रा कांग्रेस पार्टी ने चीन के चरणों में झुककर एक समझौता किया था कि चीन की सरहद पर खड़े सैनिकों के हाथ में हथियार नहीं होंगे, खड़े सैनिकों के हाथ में हथियार नहीं होंगे। आज राहुल गांधी जी, मैं अर्णब गोस्वामी आपसे कह रहा हूँ, मैं आपको पप्पू नहीं बोलता। क्या मैंने आपको पप्पू बोला? सरकार ने, राहुल गांधी मेरे प्रोग्राम देखते हो ना, क्या अर्णब गोस्वामी ने तुम्हें पप्पू कहा? क्या मैंने पप्पू कहा तुम्हें? नहीं कहा ना, नरेंद्र मोदी के बारे मैंने नहीं कहा ना, दूसरों ने कहा। आज राहुल गांधी सोने से पहले एक काम जरूर करें, अपने परिवार की इतिहास उठाइए, अपने परिवार की वाड्रा परिवार की इतिहास उठाइए, पढ़िए कि चीन के साथ वाड्रा कांग्रेस का कितना कितना याराना है, कितनी दोस्ती है। नेहरू परिवार के चाटुकार है क्या? चुप रहिए। तारीख, अरे मीर जाफर के मुंह से चमचा शब्द भी ठीक नहीं लगता है, आप चमचे के 3 लेवल नीचे हो, सुनो मेरी बात। मैं केयर नहीं करता यार। हजारों जंग पार करके हम इधर पहुंचे हैं, आप जैसे वंशवादों और वंशवादों के जितने चाटुकार हैं उनको हम केयर नहीं करते, समझे ना? आप जैसे वंशवादों और वंशवादों के जितने चाटुकार हैं उनको हम केयर नहीं करते, समझे ना? तुम कुछ भी हो मगर तुम नास्तिक नहीं हो, क्योंकि तुम मेरी बात सुनो, तुम नास्तिक नहीं हो क्योंकि तुम जिनपिंग चालीसा पढ़ते हो। गांव में आना, हाथ लगा दूंगा तुमको। अभी और सुन, मगर कई लोगों की बोलती बंद हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल प्रमोद जी, कई लोगों की बोलती बंद हो गई है, और जिन लोगों की बोलती बंद नहीं हुई ना उनकी बोलती बंद करने वाला हूं मैं। खबरें थोड़ी पुरानी जरूर है लेकिन है बड़ी मजेदार। दोस्तों, समय कम है, अंत में ये कहूंगा कि वाड्रा कांग्रेस आज देश को बताए कि उनको चीन के साथ इतनी हमदर्दी क्यों है, चीन के साथ इतनी हमदर्दी क्यों है, 1962 से लेकर आज तक कांग्रेस चीन के साथ खड़ी हुई क्यों है। दोस्तों, हम अपने सरकार के साथ है, हम अपनी सेना के साथ है, हम भारत के साथ। छुरी बन काटा बन ओ माई सन, सब कुछ बन किसी का चमचा नहीं बन, सब कुछ बन किसी का चमचा नहीं बन। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि मजा आया कि नहीं आया। खबरें थोड़ी सी पुरानी जरूर है लेकिन है बड़ी मजेदार। थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये मस्ट है।
बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और आपका भाई आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता है, वो ये है कि आपके भाई ने बनाया ब्लॉग चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेक कर लेना और एंड जरूर देख के जाना। डू व्हाट यू बिलीव, लिसन टू नो वन एंड नो बडी। टुडे यू आर फ्री, यू विल फॉरएवर बी फ्री फ्रॉम एनीवन हु गिव्स यू एडवाइस, एनीवन हु ट्राइज टू शेप योर करियर। यू विल शेप योर करियर।